नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज की डेट है 5 दिसंबर 2017। इस वीडियो में हम हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रंट पेज पे मध्य प्रदेश से संबंधित न्यूज है। मध्य प्रदेश असेंबली में एक बिल पास हुआ है। इस बिल में प्रोविजन है कि 12 साल या 12 साल से कम बच्ची के साथ अगर रेप होता है तो एक्यूज्ड को फांसी तक की सजा हो सकती है। अभी इस बिल को प्रेसिडेंट की असेंट के लिए भेजा जाएगा, लेकिन अगर प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है और ये एक्ट बन जाता है तो इसी के साथ मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पर इस प्रकार का प्रोविजन होगा कि 12 साल या 12 साल से कम की बच्ची के साथ रेप होने पर एक्यूज को फांसी तक की सजा हो सकती है। बिल का नाम भी याद रख लीजिए, बिल का नाम है दंड विधि मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2017। ये बराबर में कुछ डेटा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के अनुसार 2016 में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रेप के केसेस सामने आए, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र में। और पोक्सो एक्ट के अनुसार यानी प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड्स अगेंस्ट द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, इस एक्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जो केसेस सामने आए वो उत्तर प्रदेश में 4954। तो ये पूरा आर्टिकल था मध्य प्रदेश असेंबली में जो बिल पास हुआ है। यूपीएससी इस प्रकार से पूछ सकती है कि हाल ही में इस प्रकार का जो बिल पास किया गया है वो कौन से स्टेट के असेंबली में पास किया गया है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश आंसर है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल राजस्थान सरकार के द्वारा पास किए गए ऑर्डिनेंस से संबंधित है। आपको याद होगा राजस्थान सरकार ने एक कॉन्ट्रोवर्शियल ऑर्डिनेंस पास किया था, सिविल सोसाइटी ने उसका काफी विरोध किया था, काफी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। तो अब वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो चुका है। पहले मैं आपको यह बताता हूं कि आखिरकार था क्या उस ऑर्डिनेंस में जिसको लेकर इतना भारी विरोध हुआ था। उस ऑर्डिनेंस का वो ऑर्डिनेंस सीआरपीसी को अमेंड कर रहा था इन एप्लीकेशन टू द स्टेट ऑफ राजस्थान। सीआरपीसी क्या होता है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। क्या करता है सीआरपीसी, मतलब क्या होता है सीआरपीसी में? देखो, पुलिस या फिर दूसरी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो किस प्रकार से अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगी, कैसे सबूतों को इकट्ठा करेंगी, सारे तरह के जो प्रोसीजर्स हैं वो दिए होते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में। और इसी प्रोसीजर को चेंज करना चाहती थी राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार के इस ऑर्डिनेंस में जो अब लैप्स हो चुका है, प्रोविजन था कि अगर पुलिस किसी भी मामले में जहां पे जज, मजिस्ट्रेट, सर्विंग ब्यूरोक्रेट या फिर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट अगर एक्यूज्ड हैं, उन मामलों में अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट करना चाहती है तो पहले रेलेवेंट अथॉरिटीज की परमिशन लेना अनिवार्य होगा। और रेलेवेंट अथॉरिटीज ये परमिशन ग्रांट कर सकती हैं 6 मंथ्स में। अगर अथॉरिटीज 6 मंथ्स में परमिशन नहीं देती हैं तो इसका मतलब है कि पुलिस को ऑटोमेटिक परमिशन मिल चुकी है जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड हो या फिर सर्विंग हो, और मजिस्ट्रेट्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए। और उससे भी ज्यादा, जब तक कि अथॉरिटीज की तरफ से परमिशन नहीं मिल जाती है तब तक कोई भी मीडिया हाउस कुछ भी नहीं प्रिंट कर सकता, कुछ भी इंफॉर्मेशन पब्लिश नहीं कर सकता एक्यूज्ड ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, जजेस या फिर मजिस्ट्रेट के खिलाफ। यानी मीडिया पे भी गैग ऑर्डर पास किया गया था, और अगर कोई मीडिया पर्सन इंफॉर्मेशन छापता, इस कानून की अवहेलना करता तो 2 साल का प्रावधान था इस लैप्स हुए ऑर्डिनेंस के अंदर। इसीलिए बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था सिविल सोसाइटी के द्वारा या फिर दूसरे जो इंडिपेंडेंट थिंकर्स हैं उनके द्वारा। अब ये लैप्स हो चुका है क्योंकि असेंबली सेशन के स्टार्ट होने के बाद 6 वीक्स के अंदर अंदर इस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए बिल पास करवाना जरूरी था राजस्थान स्टेट असेंबली में, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, इसीलिए अब ये ऑर्डिनेंस लैप्स हो चुका है। तो ये पूरा आर्टिकल था राजस्थान ऑर्डिनेंस के बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन के बारे में है। सरकार को यह लगता है कि लेबर ब्यूरो के द्वारा एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो डेटा रिलीज किया जाता है वो देश में जॉब्स के बारे में ट्रू पिक्चर को नहीं दिखाता। इसीलिए सरकार ने मई में एक कमेटी गठित की थी, उस समय नीति आयोग के चेयरमैन थे अरविंद पानागढ़िया, उनकी अध्यक्षता में, ये देखने के लिए कि अभी जो डेटा सिस्टम है जॉब्स के बारे में उनमें क्या क्या कमियां हैं और सही पिक्चर दिखाने के लिए जॉब्स के बारे में कौन से अल्टरनेटिव सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। 23 जुलाई को इस कमेटी ने ड्राफ्ट रिलीज किया और स्टेक होल्डर से कॉमेंट्स इन्वाइट किए। फाइनल रिपोर्ट जो है वो सौंपी जा सकती है इस कमेटी के द्वारा सितंबर 2018 में। सरकार को यह लगता है कि अभी लेबर ब्यूरो के द्वारा जो डेटा रिलीज किया जाता है उस डेटा में इनफॉर्मल सेक्टर को तो कवर किया ही नहीं जाता, बल्कि फॉर्मल सेक्टर में भी कुछ जो छोटी एंटरप्राइजेज हैं या फिर जहां पे रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज नहीं होता है और वर्कर्स काम करते हैं उन एंटरप्राइजेज में, तो उनको भी काउंट नहीं किया जाता। तो इसीलिए सरकार चाहती है कि जो एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है उसे चेंज किया जाए और नई डेफिनेशन में वो एम्प्लॉयज जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 या फिर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के अंदर कवर होते हैं उनको कवर किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में। तो ये पूरा आर्टिकल है कि सरकार एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन को चेंज कर सकती है। ये थोड़ा सा डेटा भी है कि जॉब्स क्रिएशन किस प्रकार से हमारे देश में कम हो रहा है। 2009 में 8.90 लाख के आसपास, 14 में 4.21 लाख और 2015 में 1.35 लाख, 2016 में 2.31 लाख। तो लगातार जो जॉब क्रिएशन है वो कम हो रहा है।
यहाँ पे 2015 में बहुत ही कम हो गया था, 2016 में थोड़ा बड़ा है, इसीलिए गवर्नमेंट अब चेंज करना चाहती है एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन को ही। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आगे है वर्ल्ड फर्स्ट आईटी कैंपस फॉर डिफरेंटली एबल्ड इन हैदराबाद। हैदराबाद में डिसेबल्ड के लिए पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला आईटी कैंपस एस्टैब्लिश किया गया है, ताकि जो डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके लिए आईटी सेक्टर में जॉब क्रिएशन हो सके। तो याद रखिएगा, अगर यूपीएससी पूछती है कि वर्ल्ड का पहला आईटी कैंपस डिसेबल्ड के लिए कहां पर एस्टैब्लिश किया गया हैदराबाद तेलंगाना में एस्टैब्लिश किया गया है। जिस प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर एस्टैब्लिश किया गया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जगह इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल वेनेजुएला के बारे में है। वेनेजुएला ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी अडॉप्ट की है जिसका नाम है पेट्रो। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है जिसमें क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाता है ट्रांजेक्शन को थर्ड पार्टी से सिक्योर रखने के लिए, फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन। तो देखो, लोग विश्वास रखें, यूज करें इस क्रिप्टो करेंसी को, तो इसलिए वेनेजुएला सरकार ने डिसाइड किया है कि दिस क्रिप्टो करेंसी पेट्रो विल बी सपोर्टेड बाय जो बहुत ज्यादा रिजर्व्स हैं, ऑयल के रिजर्व्स हैं वेनेजुएला के अंदर, या फिर गैस के रिजर्व्स हैं, मिनरल वेल्थ है, गोल्ड है, ये सब सपोर्ट करेंगे वेनेजुएला की इस क्रिप्टो करेंसी पेट्रो को, ताकि लोग विश्वास रखें इस करेंसी पे। अभी देखो, अमेरिका ने काफी सारे सैंक्शंस लगाए हुए हैं वेनेजुएला पे, तो इकोनॉमिक जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा खराब हैं वेनेजुएला में। सैंक्शन से बचने के लिए ही वेनेजुएला ने अपनी नई क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट किया है जिसका नाम है पेट्रो, डिजिटल करेंसी है। यूपीएससी इस प्रकार से पूछ सकती है कि कौन से देश ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को अपनाया, तो उसका आंसर होगा वेनेजुएला। वेनेजुएला की आप लोकेशन भी देख लीजिए, साउथ अमेरिका में, यहां पे नॉर्थ साउथ अमेरिका में है वेनेजुएला। यहां पे कोलंबिया है, गुइना है, ब्राजील, इक्वेडोर, ये सब हम देखेंगे। मैपिंग पिछले साल भी हमने की थी, इस बार फिर से मैपिंग हम करेंगे अच्छे से। पिछले बार जो हमने मैपिंग की थी सारे क्वेश्चंस आसानी से कवर हो रहे थे उस मैपिंग से, तो फिर से डिस्कस करेंगे। अब देखो, एक छोटी सी एक्सरसाइज का भी आप नाम याद रखना, विजिलेंट एस। विजिलेंट एक मिलिट्री एक्सरसाइज है साउथ कोरिया और यूएस के बीच में, पूछे जाने की संभावना ऑलमोस्ट नील है, क्योंकि देखो दूसरे देशों के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है यूपीएससी उनके बारे में नहीं पूछेगी, वैसे ही बता दिया मैंने। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आगे पीआईबी है, देख लेते हैं पीआईबी में आज कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज ऑर्गेनाइज हुआ। 1992 में यूएन में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, उसके बाद से ही हर एक साल 3 दिसंबर को यह डे सेलिब्रेट किया जाता है। मकसद होता है डिसेबल्स के राइट्स को प्रमोट करना और उनकी वेलफेयर इंश्योर करना। इस बार 2017 के लिए जो थीम थी वो थी ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट सोसाइटी फॉर ऑल, तो ये थीम थी, याद रखिएगा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल साइट्स से संबंधित है। साइट्स ने इंडिया को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंडेशन दिया है, किस लिए? इंडिया ने अच्छा काम किया है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की जो इलीगल स्मगलिंग होती है, जो इलीगल ट्रेड होता है, उसे रोकने के लिए इंडिया ने अच्छा काम किया है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम है ऑपरेशन सेव कर्मा, याद रखिएगा इस ऑपरेशन को, ऑपरेशन सेव कर्मा। जो टर्टल्स का इलीगल ट्रेड होता है उसे कर्व करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था, नाम है ऑपरेशन सेव कर्मा, और ये ऑपरेशन चलाया गया था वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। तो इस ऑपरेशन के बारे में भी याद रखिएगा, और साइट्स के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। साइट्स का पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, इसे वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। मल्टीलेटरल ट्रीटी है, पार्टिसिपेशन जो है इस कन्वेंशन में वो वॉलंटरी है, लेकिन एक बार अगर कोई देश इस कन्वेंशन को साइन करके रेटिफाई कर देता है तो फिर उस देश को जो भी प्रोविजंस हैं साइट्स के वो फुलफिल करने होंगे, उनको फॉलो करना होगा। ओपन फॉर साइन यानी 1973 में ये साइन के लिए ओपन हुई थी ये कन्वेंशन, और पार्टीज जो हैं, संख्या है मेंबर्स की वो है 182। एम क्या है? एम यही है यानी डिफरेंट कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करना और स्टैंडर्ड्स तय करना, ताकि जो इलीगल ट्रेडिंग होती है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के, इंडेंजर्ड एनिमल्स या फिर प्लांट्स की, उन्हें रोका जा सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा के बारे में। तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी, शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि मध्य प्रदेश असेंबली में बिल पास किया गया है जिसमें प्रोविजन है कि 12 या 12 साल की कम बच्ची के साथ अगर रेप होता है तो उस केस में अक्यूज्ड को फांसी की सजा हो सकती है। उसके बाद हमने राजस्थान सरकार के द्वारा जो ऑर्डिनेंस पास किया गया था, काफी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, अब वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो चुका है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि लेबर ब्यूरो के द्वारा जो डेटा रिलीज किया जाता है वो हमारे देश में जॉब्स के बारे में ट्रू पिक्चर नहीं दिखाता, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में बदलाव किया जाए।
उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हैदराबाद में, तेलंगाना हैदराबाद में दुनिया का सबसे पहला आईटी कैंपस एस्टैब्लिश किया जाएगा डिफरेंटली एबल्ड को जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए आईटी सेक्टर में। उसके बाद हमने डिस्कस किया वेनेजुएला ने क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट किया है जिसका नाम है पेट्रो। पीआईबी में हमने डिस्कस किया इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के बारे में। और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया साइट्स ने इंडिया को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंडेशन दिया है क्योंकि इंडिया ने वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की इलीगल ट्रेडिंग को रोकने के लिए अच्छा काम किया है। और सबसे लास्ट में हमने साइट्स के बारे में भी डिस्कस किया। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। और जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने की जो हमारा प्लान है वो हम स्टार्ट कर देंगे कल से या परसों से। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।